गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और सुबह 7 बजे से पैकर्स एंड मूवर्स जो होते नहीं हैं वो लोग आए हैं, सारा सामान पैक कर रहे हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई। सुबह से सिर्फ एक कप चाय पिए हैं, सारे जो बर्तन वगैरह थे सब पैक हो गए हैं, तो मैं खा रही हूँ, अभी खाने जा रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ से भूख लगी है। मैंने सोचा मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि दी इस घर का वीडियो दिखाइएगा जिसमें अभी आप रहते हो, तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ आप लोगों से। तो देख सकते हो एसी वगैरह सब निकल गई है वगैरह वगैरह, अब नहीं बोलूँगी। अब मैं छत पर से स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो क्योंकि अंदर रूम में सारा काम चल रहा है। अभी बाबू की साइकिल भी पैक होनी है तो भूख लगी है बहुत तेज़ यार। यहाँ से निकलते निकलते कम 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे, 3-4 घंटे बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मैंने तो आपको दिखाया ही, हॉल का सारा सामान पैक हो गया, किचन का पैक हो गया, बेडरूम भी काफ़ी पैक हो गया। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, बेड खोल रहे हैं ना आप लोगों ने, बेडरूम का बेड भी खुल गया है। सच में यार बहुत बुरा लग रहा है, जिस घर को मैंने इतने प्यार से सजाया था, 1.5 साल हम यहाँ पर रहे, मतलब जाना पड़ रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर खाली है, यहीं पर घर बनाना है मकान मालिक को, यहीं पर नया घर बनेगा, तो इसी वजह से हम लोग रूम छोड़ रहे हैं। बुरा लग रहा है, सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्या कर सकते हैं भाई। जब भी 4 बजने वाला है, कुछ टाइम पहले मैं लाइव गई थी, आप लोगों से बात किया मैंने, तो अब जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने, जाना है हम लोगों को। सारे सामान जा चुके हैं, बस कुछ ही बचा हुआ है। और आज हम लोगों ने ड्राइवर नहीं लिया क्योंकि लखनऊ शिफ्ट होना है, तो ड्राइवर अगर हम लोग ले लेते तो फिर कैसे आता, तो आज दीप ही ड्राइव करते हुए चलेंगे यहाँ से लखनऊ तक। चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, सबसे पहले जा रही हूँ फेस वॉश करने, और मेरा जो फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ वो पैक हो गया है। और एक फेस वॉश जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, ये है टी ट्री का बॉडी सॉफ्ट फेस वॉश। अगर किसी को पिंपल सेकने की प्रॉब्लम है तो वो इसे यूज़ कर सकता है, और ये भी मेरा फेवरेट था। ये देखिए, इसमें इतना सा बचा था तो इसको मैंने बाथरूम में ही रख दिया था, छोड़ दिया था, और ये वहीं था, तो अभी मैं यही यूज़ करने जा रही हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है गाइस, तो अगर आप लोग लेना चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इससे आपके पिंपल्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, और इसको मैंने लिया था एक यूट्यूबर के रिकमेंडेशन पे। उस यूट्यूबर को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ, उन्होंने रिकमेंड किया था तब मैंने इसको बाई किया था, और सच में माइंड ब्लोइंग ऑसम, जितनी बढ़ाई करूँ उतना कम है, ख़त्म भी हो गया है। और इसे ओपन करते ही ना टी ट्री की जो है खुशबू इसमें से आती है, जिनको टी ट्री की खुशबू पसंद है उनको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। ख़त्म हो गया थोड़ा सा ही है, तो मैं जा रही हूँ जल्दी से फेस वॉश कर लेती हूँ। सारी पैकिंग हो गई, आप देख सकते, मेरे बेडरूम का हाल देख लो, ये सारा मेरा बेड है पैक हुआ है, इसे छोड़ के जाना पड़ रहा है मुझे। एक्चुअली निकाल के इसे फिर से रीयूज़ नहीं कर सकते, ख़राब करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं छोड़ ही देती हूँ। बाकी ये सब पलाई है मेरे बेड की, यहाँ से ओपन होता था तो ये बाथरूम की तरफ जाता था दरवाज़ा, ये दरवाज़ा ओपन होता था तो छत की तरफ जाता था। कैसे था मेरा ये बेडरूम, आज इस रूम में मेरा आखिरी दिन है, तो मैंने कहा मैं सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड कर लूँ। बाकी जो पैकेजिंग की प्रॉब्लम थी वो मेरी नहीं थी, जो मूवर्स एंड पैकेजर्स होते हैं वो लोग अच्छे से सब कुछ रैप कर दिए, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से पैक किए हैं। एक चीज़ को पैक करने में इन्होंने 3 तरह के क्या बोलते हैं उसको, कार्टन्स ना, कार्टून क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वही वो यूज़ किए हैं। सबसे पहले इन्होंने जो आता है, सबसे पहले इन्होंने इसे यूज़ किया है, इसके बाद फिर एक जो बबल रैप नहीं होता वो चीज़ इन्होंने यूज़ किया, फिर थर्ड ये है, तो काफ़ी अच्छी तरीक़ों से इन्होंने पैक किया हुआ है। तो ये चीज़ अच्छी होती है कि ये चीज़ अच्छा लगता है कि अगर आप पैकेजर्स एंड मूवर्स को हायर कर लेते हो तो आपका सारा जो सामान होता है वो सेफ़ रहता है, किसी चीज़ के टूटने फूटने का कोई डर नहीं रहता है। तो अगर आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें, खुद की पैकेजिंग से लाख गुना बेटर होता है पैकेजर्स एंड मूवर्स जो करते हैं, खुद से आप उतने अच्छी तरीके से पैक नहीं कर सकते हो, ये लोग अच्छे से कर देते हैं, 3-3, 4-4 तरह से रैप करते हैं ताकि कोई चीज़ ना जाए। और मेरा जो है
क्या बोलते हैं मैट्रेस है, इसको मैं 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ। जल्दी मैं आप लोगों के साथ अपना रिव्यू भी शेयर करूँगी। अभी जब ओपन हुआ है तो मैं आप लोगों के साथ अपना रिव्यू भी शेयर कर दूँ। काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। पहले पता है मैं जब सोती थी तो मेरे कमर उमर में पेन होती थी, जो गद्दा मैं यूज़ कर रही थी जो मैट्रेस, तो इसके बाद मैंने इसे ऑर्डर किया और इसे मैं 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ। 3 क्या 4 महीने हो गए होंगे जब ये मुझे रिसीव हुआ था, तो उस दिन का मैं आपको दिखा दूँगी ट्रैकिंग डिटेल्स वगैरह, तो देख लीजिएगा। इसकी सारी डिटेल्स अलग से वीडियो मैं करूँगी मेरे प्रियादीप चैनल पर, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस पर लेटने से मेरे कमर उमर का जो दर्द था वो सब कुछ सच में सही हो गया है। तो चलो गाइस, मैं जल्दी से ड्रेस चेंज करके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गाइज, ये है इस घर का सबसे फेवरेट प्लेस, मेरा हॉल, जहाँ पर बैठ के मैं वीडियोस बनाती थी। इस वाले सोफे पे मैं बैठती थी, बैकग्राउंड पूरा वो था। इस घर का सबसे फेवरेट प्लेस मेरा यही था, इसको इतना प्यार से मैंने सजाया था। इसके बाद ये दो मैंने अलमारियाँ ली हुई थी, इसमें एक में हमारा कपड़ा है, एक में बाबू और दीप का है। इसके बाद मैंने ये बैकड्रॉप लिया था, ये है मेरा बैकड्रॉप। सबसे पहले मैं सोच रही थी कि मैं इसे ही अपना बैकग्राउंड बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। और इसके पीछे है मेरा सॉफ्ट बॉक्स, रिंग लाइट, सारी लाइट्स जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे वीडियोस के लिए। इसके बाद ये है मेरा बड़ा वाला सोफ़ा, ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो, इसको ओपन करके पीछे छत पर जाया जाता है। ये दरवाज़ा जब हम ओपन करेंगे तो हम छत की साइड में पहुंच जाएंगे। ये देखो, यहाँ पर बाबू का एक खिलौना पड़ा हुआ है। तो गाइज़, आप लोग लिविंग रूम का टूर देखना चाह रहे थे तो मैंने दिखा दिया। बाकी मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को होम टूर में, मतलब मेरा बेडरूम टूर, किचन टूर सब कुछ दिखाऊँगी, लेकिन क्या हुआ ना कि जब ये लोग आ गए, सुबह 7 बजे ही आ गए, तो नहीं हो पाया। इसको मैंने सुबह ही रिकॉर्ड कर लिया था। बाकी सबसे पहले इन लोगों ने बेडरूम की सारी चीज़ें पैक करी, तो इसलिए मैंने बेडरूम का नहीं दिखा इसलिए मैं बेडरूम का नहीं दिखा पाई। तो आप लोग देख सकते हो कि ये कितनी अच्छी तरीके से पैक करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कई लेयर लगा के तब ये पैक करते हैं, ताकि आपकी कोई भी चीज़ें टूटे फूटे ना। मुझे इनके पैकेजिंग, पैक करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ही ये रिकॉर्ड करी थी कि अगर आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, जैसे आपकी हबी का कल ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर आपका हो रहा है, तो आप लोग पैकेजर्स एंड मूवर्स बुक कर लीजिए। ये लोग सारी चीज़ें अच्छे से पैक कर देते हैं, आप देख सकते हो खुद ही। पैकिंग की सारी प्रॉब्लम्स इन लोगों की होती है, सारी टेंशन, आप टेंशन फ्री होकर बैठ जाओ कि ये पैक करना है, वो पैक करना है। अभी ये सोफ़ा चेयर पैक कर रहे हैं, देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। अब मेरा मेकअप बॉक्सेस आप देख रहे हो, मेकअप बॉक्सेस पैक कर रहे हैं। एक एक मेकअप का इन्होंने बारीकी से ध्यान रखा है। और आप देख लो, सबसे पहले बड़ा सा क्या बोलते हैं कार्टून, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मिस्टेक कर दे रही हूँ, कई लोग इस पे बैड कमेंट्स करेंगे, तो प्लीज़ गाइस कमेंट्स मत करना बैड। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे सच में आइडिया नहीं कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसीलिए मेरे मुंह में जो आ रहा है मैं बोल दे रही हूँ। तो सबसे पहले आप देख लो कि एक एक मेकअप प्रोडक्ट्स को अच्छे से उठा के पैक कर। तो गाइज, ये लोग काफ़ी टाइम से पैकेजिंग कर रहे थे, तो मैंने मेरी जो हाउस हेल्पर पिंकी है उनसे बोला कि प्लीज़ चाय बना दो, लास्ट टाइम हम लोग आपके हाथों से चाय पीना चाहते हैं, तो उन्होंने चाय बना के दिया। इसके बाद हम लोग सब जितने लोग थे सब चाय पिए, फिर उन्होंने बर्तन धुल के रख दिया, वो पैक हो गया है। ये सुबह की पिक है जब ये लोग आए थे, आई थिंक 10 या 11 बजे की पिक रही होगी ये वीडियो। इसके बाद आप देख सकते हो सब कुछ पैक हो गया है। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं बाहर का व्यू रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि जब भी मैं वीडियो देखूं तो एक खुशी हो। तो ये मेरे छत से कुछ इस तरीके का दिखता था, तो इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। मेरी यहाँ पर कार खड़ी हुई है, आप देख सकते हो। जब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, बाय बाय सीतापुर, बाबू को देखो साइकिल से खेल रहा है। बस यही साइकिल और रखनी है, बाकी सब कुछ पैक हो गया है। और मेरे सारे कपड़े पैक हो गए थे, तो मैंने फिर से यही टी शर्ट डाल लिया, ये तो बाथरूम में थी, धुल के रखी हुई थी। अभी एक बार तो वहाँ नहीं अच्छा लगेगा, ऐसे ही जब मैं बलरामपुर से आई थी तो मुझे यहाँ नहीं अच्छा लग रहा था। Ah!
गाइस हम लोग आ गए हैं हमारे नए घर। आप लोग इससे पहले पूछें कि दी आपने कौन सी लिपस्टिक लगाई हुई है लिंक दे दूँ, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि लिपस्टिक का लिंक, फेस वॉश का लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाके आप ले सकते हो। हम लोग घर आ गए हैं, नए घर आ गए हैं, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।